पूरी आरसीबी टीम को विराट कोहली ने यहाँ पे उठा लिया अपने कंधों पे भाई। पूरा राजस्थान रॉयल्स को और संजू सैमसन की कैप्टेंसी को हेड्स ऑफ करते हैं भाई, वो अभी तक अनबीटेबल साइड है आईपीएल में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो है आरसीबी का और राजस्थान रॉयल्स का। आज जो व्लॉग है ना वो आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसीबी को अपना मैच जीतना ही जीतना है। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी विराट कोहली खड़े हुए, 8 ओवर हो चुके हैं, स्कोर थोड़ा कम है 64 रन, लेकिन पार्टनरशिप ठीक है ना। और आज देखना इंटरेस्टिंग ये हुआ कि आरसीबी अपने होम ग्राउंड में तो हारी है, क्या राजस्थान रॉयल्स भी अपने होम ग्राउंड में हारती है? जयपुर के अंदर मैच हो रहा है, अपने होम ग्राउंड में आरसीबी उसको हराती है या नहीं हराती राजस्थान को? धक्का मार दिया फैब ड्यू प्लेसिस ने और कमेंट्री वाला बोल रहा है साइलेंस इन द क्राउड। भाई जाहिर है ना, राजस्थान है यार, राजस्थान में बता रहा हूँ। देखो विराट कोहली तो है अच्छा बैट्समैन, लेकिन तुमने अभी तक, देखो मैंने तुम्हें क्लासिंग का बोला था मैंने तुम्हें क्विंटन डिकॉक का, अभी तक मैंने देखी नहीं फैब ड्यू प्लेसिस। फैब ड्यू प्लेसिस की तुमने जिस दिन एक जुनूनियत वाली इनिंग देख ली ना मेरे भाई, ऐसी की तैसी कर देता जब खेलने में आते। तुम बताओ कि संजू सैमसन जो है ठीक है, वो अपने कंटिन्यूसली मैच जीत रहा है, 7503 रन हो गए आईपीएल में यार। पापा आपको विराट कोहली कैसा लगता है बंदा? विराट कोहली की टीम आज हार जाएगी। अच्छा पप्पा ने तो अभी से वर्ल्ड कप की शर्त लगाई हुई है, 1,00,000 रुपए देगा अगर 0 पे आउट होगा विराट कोहली। विराट कोहली रोहित शर्मा को मोहम्मद आमिर आ गया टीम में, वो बड़ा परेशान करेगा, तो देखते हैं क्या पप्पा की सही होती बात नहीं होती। अंडे पे आउट करेगा पहली, अंडे पे 0 पे तो नहीं हो रहा आउट यार, जैसा कि हमेशा होता था। हमें तो आदत हो गई देखने की, अब आईपीएल आउट कितना है यार, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि भाई एक भी आईपीएल का मैच, भले वो दोपहर का मैच हो, अच्छा दोपहर में भी लोग बैठे हुए होते हैं भले धूप हो। दोपहर में तो मेरे भाई उसका मैच है तुम्हारी फेवरेट टीम का, मुंबई इंडियंस का और दिल्ली कैपिटल्स का, वो तो कल देखेंगे ना। डेली रूटीन है विराट का भाई, 50 तो आराम से करता है, 50 पूरी वो भी छक्के के साथ पूरी करी है। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, बस समझ जाओ मैं क्या बोलने वाला। नहीं नहीं तुम नहीं बोलो ना, तुम नहीं बोलो, बोला है कि मैं कुछ आ रहा है, समझो क्या आ रहा है, फिर सेंचुरी आ रही है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं चुप हूँ, मैं मैच देखूंगा, मैं आज शुरू करता नहीं और तुम सेंचुरी का बोल। मैं भी फैब ड्यू प्लेसिस को देखने के लिए बड़ा होंगे यार, ये क्या करता है, मैच ड्रॉप कर दिया है फैब ड्यू प्लेसिस का। फैब ड्यू प्लेसिस का सिंपल कैच था, थोड़ी सी पोजीशन गलत थी। अब भाई आप ये देखो, ये रिकॉर्ड बन रहा है आईपीएल 2024 का, एक के अभी तक एक भी विकेट नहीं हुई है, और अगर ये दोनों 20 ओवर खेल गए तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा भाई। और अगली ही बॉल में दोबारा आउट हो गया, आउट जॉस बटलर ने कैच पकड़ा और देखो चांस, ये क्या वहाँ पे दोबारा से ऐसा शॉट खेला है कि एक रिकॉर्ड बन सकता है, लेकिन वो रिकॉर्ड अब नहीं बनेगा, तुमने बोल दिया था ना। इसका मतलब क्या है यार, वो गलत शॉट का ट्राई लिया गलत बॉल पे। खैर अभी अच्छी बात ये है विराट कोहली अभी है और अब ये तेज खेलेंगे, क्योंकि अब आखिरी के डेथ ओवर्स आ रहे हैं भाई। भाई सीन समझ नहीं आ रहा कि सीन क्या चल रहा है, मैक्सवेल तो यार वो चल ही नहीं रहा है, मैक्सवेल तो मैक्सवेल को क्या हो गया एकदम पता नहीं कैसे, और चौका आ गया, एक और चौका आ गया, बैक टू बैक दो फोर्स आ गए विराट कोहली के। अब देखो वन, अच्छा अभी तक तो हाईएस्ट स्कोर शायद शुभमन गिल का ही है आईपीएल में, जब तक जितने भी मैचेस है, अब देखते हैं कि विराट कोहली की 100 है, लेकिन अभी किसी की भी 100 नहीं आई है। लेकिन यार मैं बताऊं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देखो आरसीबी बैटिंग तो अच्छी करता है और अभी कर भी रहा है, आरसीबी जहां फंसता है ना वो फंसता है बॉलिंग में, तो अगर अभी आज के मैच में बॉलिंग अच्छी हो जाए ना, अगर क्योंकि देखो राजस्थान की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, स्कोर मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा कम है अभी 138, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है, ये कम से कम 200 टच होना चाहिए जयपुर के ग्राउंड के हिसाब से। यार यंग ब्लड के साथ यही होता है भाई, पूरी वाइड बॉल थी, पूरी वाइड बॉल, कमेंट्री वाला मतलब पहले ही बोल रहा था बॉल डालने के बाद, और उसने खेल लिया और कैच आउट हो गया। सौरभ की विकेट आ गई है भाई, डेब्यू मैच का विराट कोहली तो 99 का शतक आ गया है, और आईपीएल 2024 का पहला शतक विराट कोहली ने जड़ दिया है, 67 बॉलों पे 100 रन, क्या ही खूबसूरत इनिंग के लिए। यार मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जितने भी यंगस्टर हैं, मुझे नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की इनिंग इस एज में आके इतनी अमेजिंग फिटनेस के साथ खेल सकता है। एज अ पाकिस्तानी मम्मा एक बार हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि विराट कोहली सिर्फ इंडिया का किंग नहीं है, विराट कोहली क्रिकेट का किंग है। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम का फैन होता ना तो मैं इससे नफरत करता, लेकिन मैं क्रिकेट का फैन हूँ, मैं बोलूंगा कि यार ऐसा क्रिकेट फैन इस जैसा बंदा ना आप क्रिकेट, अब जो नए लड़के आ रहे हैं उनसे इतना अच्छा नहीं खेला जा रहा भाई, ना क्रिकेट की दुनिया में कभी आ सकता है जैसा बंदा, ना कभी आने वाले वक्त में इंडिया ऐसा जैसा प्लेयर प्रोड्यूस कर सकती है, क्या ही खतरनाक। 100 रन बनाना कोई हल्की बात यार, पूरी आरसीबी टीम को मैं बोलूंगा, पूरी आरसीबी टीम को विराट कोहली ने यहाँ पे उठा लिया अपने कंधों पे भाई, पूरा आगे तक ले गए ओपनर आगे, इतनी अच्छा शतक जड़ना यार। लास्ट बॉल पे भी विराट कोहली ने फेस किया और चौका हो गया है, 184 रन का विन दिया है।
लेकिन देखो बहुत ही शानदार किस्म की विराट कोहली ने इनिंग खेली है। जो बात अब आरसीबी के बॉलर्स को चाहिए कि यार विराट की मेहनत को जाया नहीं होने दे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था आरसीबी जो फंसती है हमेशा अपनी बॉलिंग में फंसती है। अभी अगर राजस्थान की तरफ से बटलर जायसवाल कोई एक अगर चल गया ना भाई, तो मैं समझता हूँ ये स्कोर कुछ नहीं है फिर उनके सामने। 184 स्कोर अच्छा है, फाइटिंग स्कोर है, लेकिन आरसीबी के बॉलर अब बस थोड़ा सा देख के बॉलिंग कराए। और ये मैक्सवेल ने पकड़ लिया है कैच, जयसवाल को कर दिया चलता। अब सिर्फ टेंशन दो है, एक जॉस बटलर और एक रियान पराग, बस वो आउट हो फिर राजस्थान। यार ये लेकिन यार एक बात है मारिया, जो बात है देखो जयसवाल है बड़ा जबरदस्त प्लेयर यार, चल इसका दिन आएगा, इसका दिन आएगा, लेकिन जब आएगा ना वो पता नहीं कब आएगा, अभी तो नहीं आया यार। ये जब प्लेयर्स जो है ना मारिया स्ट्रगल कर रहे होते ना इस तरह से, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अब आ चुके क्रीज पे, बहुत ही प्यारा ब्रेक थ्रो मिला है भाई। देखो ब्रेक थ्रो मिला, जयसवाल का विकेट आया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन देखो मैंने एक बात बोली थी, जो बटलर है ना, जॉस बटलर एक ऐसा बैट्समैन है जब ये सेट होता है ना मेरे भाई, ये पूरा 360 खेलना जानता है, ये पूरा ग्राउंड में खेलना जानता है। संजू सैमसन भाई वो भी अभी इसने सिराज के ऊपर पीछे का चौका मारा, ये अभी अगर इसको आउट कर दिया सही है 30 रन के अंदर, अभी इसके 19 हुए तो सही है, वरना ये सेट हो गया ना भाई ये बहुत मारेगा। और 18 अब आया, लेकिन ये मैं इस चीज से डर रहा था भाई कि अगर वहां बैक टू बैक चौके छक्के, जयसवाल के विकेट के बाद अब कौन बचा है, बटलर है, उसके बाद रियान पराग है। अबे भाई ये बटलर को तुम लोग नहीं जानते, ये कितना खतरनाक खिलाड़ी है, ये जब सेट होता है इसके बारे में हर बॉलर बोलता है कि जब ये सेट हो जाता है हम इसको बॉलिंग करते हुए डरते हैं, 360 खेलना जानता है, इधर भी मारेगा पीछे भी मारेगा सामने भी मारेगा। अभी 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज आ गई है, अब आप देखो ये लो फिर लो बोलो, अब आप ये होता है कोई रोकने वाला भी नहीं, बैक टू बैक बाउंड्रीज आ रही तगड़ी पार्टनरशिप जम गई है। जॉस बटलर की भी 50 आ गई है, संजू सैमसन की भी 50 आ गई है, और बड़ा ही खतरनाक किस्म का मैच है। और मैं ये समझता हूँ कि यार देखो जब तक आरसीबी अपनी बॉलिंग लाइन पे ध्यान नहीं देगी, तुम एंड तक यही बोलते रहोगे आईपीएल खत्म हो जाएगा। नहीं रुक सकता मेरे भाई, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, अगर अभी देखो यार ये राजस्थान माफिया अनबीटेबल जा रही है, मतलब अभी अगर 200 भी होता ना टारगेट, राजस्थान वो भी चेस कर लेती, बॉलिंग लाइन ही नहीं है आरसीबी के पास, कोई किस तरह से रन रोकोगे यार। तो पहले ही आज था तो बोलिए थे राजस्थान नीचेगा, जैसे मैं भी वहाँ पर फैब्री प्लेज विराट कोहली की पार्टनरशिप जमी, लेकिन थोड़ी स्लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी फास्ट है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आरसीबी की बैटिंग आज बहुत अच्छी हुई है, ठीक है हाँ। लेकिन सिर्फ विराट कोहली की जिम्मेदारी नहीं है स्कोर को 200 तक लेके जाने की, भाई मैक्सवेल ने क्या किया यार, आज दूसरी बॉल पे आउट हो गया वो भी विकेट, भाई पावर हिटिंग तो आज मेरे हिसाब से अगर विराट कोहली अभी देखो ना 109 की पार्टनरशिप हो गई है, अगर आप बोलो ना कि यार 20 रन शॉट थे 30 रन शॉट थे मेरे भाई, अगर 210 या 220 वो भी बना लेते चेस कर लेते, सही है। पेशन बड़ी खराब हो गई है राजस्थान के लिए तो बहुत अच्छा है, राजस्थान के लिए तो बहुत अच्छा है। बटलर के लिए ये हो गया है कि 9 रन जीतने के लिए चाहिए और 8 रन उनको सेंचुरी में चाहिए, तो मतलब सारे रन उनको ही बनाने पड़ेंगे। और मैं कहता हूँ कि इस ओवर में राजस्थान मैच भी जीत जाएगा, और मैं ये समझता हूँ बटलर की सेंचुरी भी आ रही है। क्या यार ये हेतिम यार ने ये बड़ा बगंडा गलत कर दिया बटलर के साथ यार, चौका मार दिया यार बटलर की होनी चाहिए, ये देखो ये गलत कर देते हैं कभी तो यार भाभी मैच भी तो हाथ से निकल जाएगा ना। भाई जॉस बटलर की जिसका इंतजार था वो हो गया है, जॉस बटलर की भी 100 हो गई है और भाभी यहाँ से चले गए, भाभी को पता चला लास्ट बॉल पे मार दिया 6 और 100 हो गई है के साथ भाई। राजस्थान अनबीटेबल है अभी तक, ठीक है आरसीबी को हरा दिया है अपने होम ग्राउंड में, वो नहीं हारी है, और संजू सैमसन और जॉस बटलर ने इनक्रेडिबल इनिंग खेली है। कल है सुपर संडे, क्योंकि कल है MI वर्सेस DC दोपहर के टाइम, फिर रात में है लखनऊ वर्सेस गुजरात।